देश का नया शाहीन बाग बना उत्तराखंड का हल्द्वानी। पहले रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण और अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन। क्या वोट बैंक के लिए अतिक्रमणकारियों के समर्थन में कांग्रेस? उत्तराखंड राज्य का शहर हल्द्वानी अगले कुछ दिन में दिल्ली की शाहीन बाग की शक्ल ले सकता है। कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों महिलाएं बच्चे सड़क पर होर्डिंग और बोर्ड लिए बैठ गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको बिल्कुल दिल्ली के शाहीन बाग की याद आ गई होगी, जब दिल्ली में भी महीनों भर तक महिलाएं बच्चे CAA के विरोध के नाम पर सड़क घेरे बैठी रही थी। और शाहीन बाग की तरह हल्द्वानी में भी विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कहानी शुरू होती है 1975 से। हर बड़े शहर की तर्ज पर हल्द्वानी में भी रेलवे ट्रैक के आसपास अतिक्रमण शुरू हुआ। पहले गफूर बस्ती में कुछ कच्चे घर बने और फिर धीरे धीरे पूरी बस्ती वोट बैंक की चपेट में आ गई। 1975 से आज तक गफूर बस्ती के लोगों ने रेलवे की 75 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं। दरअसल हल्द्वानी उत्तराखंड में रेलवे के लिहाज से महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन अवैध गफूर बस्ती रेलवे के विस्तार की राह में रोड़ा बन गई है। रेलवे ने शुरुआत में कई नोटिस दिए जिसका कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार रेलवे ने इसे हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 27 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया। प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत का साफ आदेश था कि 10 जनवरी तक गफूर बस्ती को हटाया जाए। अदालत के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन ही लेने वाला था कि गफूर बस्ती के लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं और बच्चों के हाथ में होर्डिंग थमा दिए, ठीक वैसे ही जैसे CAA के विरोध में शाहीन बाग में हुआ था। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होती उससे पहले विपक्ष ने रही सही कसर पूरी कर दी। उत्तराखंड में विपक्ष में बैठी कांग्रेस गफूर बस्ती के समर्थन में उतर आई। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या गफूर बस्ती का समर्थन करके कांग्रेस अतिक्रमण का समर्थन कर रही है? अनैतिक दबाव बनाने के लिए शाहीन बाग मॉडल अपनाया जाएगा। अगर गफूर बस्ती पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या अतिक्रमण करने वालों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? और गफूर बस्ती का समर्थन करके क्या विपक्ष लोगों को कानून के खिलाफ काम करने के लिए उकसा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।